हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2024 जिनको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर तुमने सलार, पुष्पा, स्त्री एंड हाउसफुल जैसी मूवीज को एंजॉय किया है तो ये लिस्ट बहुत भयंकर होने वाली है। नंबर एक पर आती है प्रवास की VFX लोडेड कल्की। आदि पुरुष कौन बोला है? कल्की 2898 AD, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है। और अगर तुम 2898 AD का मतलब समझ गए तो तुम इंटेलिजेंट हो। मूवी प्रेजेंट में तो बिल्कुल सेट नहीं है, मूवी एक्चुअल में 2898 में सेट है। एंड तब कुछ इविल फोर्सेस ने आकर सब जगह कब्जा कर लिया और सबको बंदी बना लिया। नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं एंड लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। प्रवास एक डिफरेंट लुक में कल के अवतार के रूप में सामने आएगा एंड आई नो सबको बचाएगा। इसी के साथ नंबर दो पर है ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण एंड अनिल कपूर की फाइटर, जिसे रिपब्लिक डे के जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। और जब से मूवी का टीजर ड्रॉप हुआ है इसे टॉप गन से कम्पेयर किया जा रहा है, आई मीन सच में। लेकिन ध्यान रखना, ये एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी है जो की हिंदी सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलती है। और मैं इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पठान एंड वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की पिक्चर है। मूवी के लास्ट 20 मिनट में एकदम फाड़ू एरियल एक्शन होने वाला है। लेकिन बॉलीवुड सिनेमा को टक्कर देने के लिए 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस को चीर फाड़ देने आने वाली है पुष्पा पार्ट 2, जिसका ट्रेलर 8 महीने पहले ही ड्रॉप हो चुका है एंड भाई पब्लिक पागल है इसके लिए, क्योंकि पुष्पा का वो डेडली हार्ट ब्रेकिंग अवतार में ग्लिम्स देना एकदम रोर करता है। एंड इस बार पुष्पा किसी के फटे में टांग अड़ाने नहीं आया बल्कि सब पर राज करने आया है। पिछले पार्ट में पुष्पा इंटरनेशनल लेवल पर तो पहुंच ही चुका था, तो अब वो पूरे रेडवुड स्कैंडल का किंग पिन बनेगा और डायरेक्ट इंटरनेशनल बॉय से डील करेगा और सबको मारेगा भी। एंड इसी के साथ नंबर 4 पर आने वाली है बॉलीवुड की सबसे ह्यूज स्टार कास्ट वाली मूवी सिंगम 3, जिसमें अजय देवगन विल रिपीट हिज रोल एज सिंगम। और भाई मूवी को लेकर सबसे बड़ी एंटीसिपेटेड हाईलाइट ये है कि इसका सीधा कनेक्शन रोहित शेट्टी के कॉपी यूनिवर्स से होने वाला है, जिसमें दीपिका पादुकोण एज ए लेडी सिंगम डेब्यू देने वाली है। और सिंगम फ्रेंचाइजी की लॉयल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आपको बता दूं कि ये मूवी पुष्पा पार्ट 2 के साथ 15 अगस्त को क्लैश करने वाली है। तो देखते हैं 2024 का बार्बी ऑपेनहाइमर कौन बनता है। एंड साल की पहली मूवी जिसे सलार के बाद 12 जनवरी को थिएटर्स के अंदर रिलीज किया जाएगा। नंबर 5 पर है कैटरीना कैफ एंड विजय सेतुपति के अनयूजुअल पेयर के साथ मैरी क्रिसमस। मूवी की स्टोरी क्रिसमस की शाम दो स्ट्रेंजर्स को मिलाती है और ये पल उनकी जिंदगी का सबसे खास पल होता है, जब तक कि एक मर्डर मिस्ट्री सामने नहीं आती और फिर दोनों की लाइफ में अप एंड डाउन होना शुरू हो जाते हैं। मूवी के डायरेक्टर श्रीराम राघवन, जिन्होंने अभी तक बदलापुर एंड अंधाधुन जैसी कुछ अंडररेटेड मूवी जीत दी है, तो इससे कुछ खास उम्मीद तो नहीं है। नंबर 6 पर इसी के साथ अगस्त के महीने में फाइनली स्त्री का पार्ट 2 आने वाला है, जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वहीं मूवी का स्लोगन ओ स्त्री कलाना से चेंज होकर ओ स्त्री रक्षा करना हो चुका है, क्योंकि इस बार सरकटे का आतंक बहुत ही भयंकर होने वाला है। एंड यही बॉलीवुड की एक इकलौती मूवी है जिससे तुम कॉमेडी की उम्मीद रख सकते हो। लेकिन कॉमेडी की बात चल रही है तो इस बार दिवाली 2024 को आ रही है साल की सबसे एक्सपेंसिव मूवी हाउसफुल 5, जिसकी शूटिंग दबा के चल रही है। एंड ये जनवरी में आने वाली थी लेकिन VFX पर काम करना बाकी था, इसलिए इसे पोस्टपोन कर दिया। मूवी की कास्टिंग बहुत ही बढ़िया है लेकिन कॉमेडी बढ़िया होगी या नहीं ये मैं नहीं बता सकता। इसी के साथ 2024 में बहुत सारी मूवीज के पार्ट 3 आने वाले हैं, जिसमें से एक है भूल भुलैया पार्ट 3। भूल भुलैया 1 एंड 2 की सक्सेस देखने के बाद सीरीज ने कार्तिक आर्यन के साथ पार्ट 3 अनाउंस कर दिया था। एंड इस साल बहुत ज्यादा स्टैंड अलोन मूवीज तो देखने नहीं मिलेंगी, लेकिन जो भी माल देखने मिलेगा एकदम कड़क है। हमारी फेवरेट कौन सी है कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।